क्या 2019 में SP BSP के आगे जूनियर पार्टनर रहेगी कांग्रेस? आखिर यूपी में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलने वाली है? आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर न सिर्फ सियासी बिसात बिछाई जा रही है, बल्कि सीट शेयरिंग को लेकर दबाव की राजनीति भी शुरू हो गई है, खासकर यूपी में, जहां SP BSP कांग्रेस को न सिर्फ जूनियर पार्टनर के तौर पर देख रही है, बल्कि उसकी सीटों की संख्या भी तय कर दी गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक SP और BSP ने आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को महज 8 सीटें देने पर विचार कर रही है। खबर है कि SP BSP के बीच इसे लेकर कई महीनों से अनौपचारिक बातचीत भी हो रही है। खबरों की माने तो दोनों दल सीटों का बंटवारा 2014 लोकसभा चुनाव के नतीजों पर करना चाहती है। 2014 के लोकसभा चुनाव में SP ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 31 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही थी। वहीं BSP 34 सीटों पर दूसरे स्थान पर थी, जबकि कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिली थी और 6 सीटों पर दूसरे स्थान पर थी। इस हिसाब से SP 36 और BSP 34 सीट चाहती है, वहीं RLD को 2 सीटें दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक SP और BSP का दो टूक कहना है कि वे कांग्रेस को ज्यादा सीट देने के मूड में कतई नहीं है। इसके लिए यूपी विधानसभा चुनाव का हवाला दिया जा रहा है। SP नेता का कहना है कि कांग्रेस ने उस चुनाव में अपनी क्षमता से ज्यादा सीट हिस्सेदारी की बात की, जिसका गठबंधन को नुकसान हुआ। अगर कांग्रेस खुद को ज्यादा दिखाना चाहती है तो हम उसे गठबंधन में शामिल नहीं कर ज्यादा खुश होंगे। अंग्रेजी अखबार द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक SP के एक सीनियर नेता ने अपने बयान में कहा है कि हम कांग्रेस के लिए सिर्फ 8 सीट ही छोड़ सकते हैं। इस नेता के मुताबिक इसी महीने 28 जुलाई को SP राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होनी है, जिसमें सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर चर्चा होगी। हालांकि खबर ये भी है कि मायावती प्रदेश की 40 सीटों पर अपना दावा कर रही हैं, साथ ही महागठबंधन में सबसे बड़ी का दर्जा चाहती हैं। ऐसे में अब ये वक्त ही बताएगा कि दबाव की राजनीति किसे कितना फायदा पहुंचाती है। इंडिया न्यूज़ वायरल की रिपोर्ट।